नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर के पेशेंट या जिन पेशेंट्स को CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। उन्हें डाइट में कौन सी सब्जी खानी है, कौन सा फल उन्हें नुकसान करेगा या कौन सी फल और सब्जी उनके लिए ठीक है ताकि उनकी किडनी को कम से कम नुकसान हो, और इस डाइट से पेशेंट के शरीर में ना तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ना सोडियम, ना पोटाशियम। दोस्तों, किडनी की बीमारी में किडनी शरीर से कुछ पदार्थों को पूरी तरीके से निकालने में असमर्थ होती है और ये हानिकारक पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि कुछ न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व किडनी में ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाएं तो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किडनी पेशेंट की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट्स अगर सही डाइट को फॉलो करें तो वो किडनी फेलियर के कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट्स की डाइट जो रिकमेंड की जाती है उसे रीनल डाइट भी कहते हैं। एक रीनल डाइट में टारगेट होता है कि डाइट में सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन कम हो। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पर फोकस किया जाता है और फ्लूड्स को कम रखा जाता है। कुछ मरीजों में पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा भी कम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि प्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी कमी से मरीज कुपोषण का शिकार हो सकता है। इस रिसर्च में वेजिटेरियन प्रोटीन को रीनल डाइट में अलाउ किया गया है। आप 0.8 मिलीग्राम पर केजी प्रोटीन पर डे खा सकते हैं। अंदाजन 2 कटोरी दाल या 1 कटोरी दाल और पनीर आप एक दिन में खा सकते हैं। आपको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जैसे कि फिश, चिकन अवॉइड करना है। आप 2 से 3 हफ्तों में एक बार चिकन या फिश डिश खा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। आगे आता है सोडियम। सोडियम नमक के अलावा नेचुरली भी कुछ खाने की चीज़ों में मिलता है, पर किडनी की बीमारी में सोडियम कम करना बहुत ज़रूरी है। सोडियम ज़्यादा लेने से आपके शरीर में फ्लूड रिटेंशन होगा, यानी पानी बढ़ेगा जो खराब किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी। रीनल डाइट में आगे आता है पोटाशियम। पोटाशियम नेचुरली कुछ फूड आइटम्स में मिलता है जिसमें आपको किडनी की बीमारी में अवॉइड करना है। ये है खरबूजा, केला, ऑरेंज, एवोकाडो, सूखे बीन्स, पम्पकिंस, स्क्वैश, पालक, ब्रोकली, नट्स, नट बटर्स जैसे कि पीनट बटर, आलमंड बटर, सीरियल्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, मुसैली, ग्रेनोला, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं जो कि ज़मीन के नीचे उगते हैं जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंद, जमीकंद, शलगम, उन्हें आपको अवॉइड करना है। जो रूट वेजिटेबल आप खा सकते हैं वे हैं मूली, गाजर और प्याज। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, बथुआ, गोभी, ब्रोकली आपको अवॉइड करनी है। और जो भी सब्जियां पौधे पर लगती हैं जैसे कि भिंडी, तुरई, बैंगन, लौकी, टमाटर, ककड़ी, खीरा, करेला, पलवल, मटर आदि आप खा सकते हैं। पर हर खाने की चीज़ में थोड़ा बहुत पोटाशियम तो होता ही है, और उसे कम करने के लिए आप सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में आधा घंटे के लिए गुनगुने पानी में डालकर छोड़ दें, और उसके बाद उस पानी को फेंक कर आप ये सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं फॉस्फोरस की। इसे भी रीनल डाइट में कम करना चाहिए। डेयरी यानी दूध और दूध से बने प्रोडक्ट फॉस्फोरस रिच होते हैं, इसलिए आप दूध को दिन में 1 कप से ज़्यादा ना लें। अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते हैं और दही खाते हैं तो उसे भी 1 कप से ज़्यादा एक दिन में ना लें। दोस्तों, हर मरीज की बीमारी और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपको डाइटिशियन से डाइट बनवानी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ऑफ हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।